Hi there, everybody. Welcome back to my channel. I hope all of you are safe and sound, and all of your family is well and with you. So to start this week, it's a Monday, and हम सबको अपना वीक कुछ पावर पैक्ड थॉट्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ देम. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑन, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. वॉट आर सम थिंग्स दैट यू नो कॉज अडिक्शन? थिंक मे बी आप बोलेंगे टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग्स. मोस्टली हम सबका लाइन ऑफ थॉट यही होगा, राइट? बट डू यू थिंक दैट द बिगेस्ट अडिक्शन एंड द मोर हार्म कॉजिंग अडिक्शन दैट वी ऑल सफर फ्रॉम इज नेगेटिविटी, नेगेटिव थिंकिंग, पेसिमिस्टिक थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स विच आर ऑल इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड? सो नेगेटिविटी को आपने कभी भी इस समझ में नहीं देखा होगा कि नेगेटिविटी भी हमारे अंदर एक अडिक्शन बन के बस जाती है. एज वी डू विथ अदर एडिक्शंस, दैट अनलेस यू इंटरवीन एंड यू कॉन्शियसली पुल योर सेल्फ आउट ऑफ दोज, आप उन अडिक्शंस में फंसे रहेंगे. बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ अडिक्शंस, दैट उसका कोई एक एलिमेंट होता है, या मे बी इवन कैफीन. जैसे हम कैफीन से भी अडिक्ट हो जाते हैं, बिकॉज दैट कैफीन एलिमेंट इज समथिंग दैट वी गेट अडिक्टेड टू. सो सिमिलरली नेगेटिविटी और नेगेटिव थिंकिंग इज ऑल्सो अ पैटर्न, एंड एज वी से दैट नेगेटिविटी इज अ विशियस लूप. बिकॉज आपके अंदर, आपके साथ कोई एक इंसिडेंट हुआ, कोई खराब चीज हुई, कोई लॉस हुआ, कोई फेलियर हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई भी खराब चीज हुई, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, आपने नेगेटिव थॉट्स सोचे. अब अगेन इस पॉइंट पे नेगेटिव थॉट पर से बुरा नहीं है, लेकिन उससे निकल के आना आपके हाथ में है. तो अगर आप उस लूप में फंसे रह गए, सो दैट इज वेयर द इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. सो वेन आई से नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, वी सी नेगेटिविटी इन अ वेरी नेगेटिव लाइट, बट इट्स नॉट द इमोशन पर से दैट्स रॉन्ग, और इट्स नॉट द इमोशन पर से. सो डोंट यू नो जज योर सेल्फ और जज अदर्स फॉर फीलिंग दैट नेगेटिविटी, बट डेफिनेटली नो दैट यू हैव टू इंटेंशनली पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट, एंड यू हैव टू इंटेंशनली कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट टुवर्ड्स दैट. सो बैड इंसिडेंट, नेगेटिव थॉट, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव थॉट, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव थॉट स्टेइंग इनसाइड योर हेड, यू सी अनदर नेगेटिव, यू फेस अनदर नेगेटिव इंसिडेंट, बिकॉज यू अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी, एंड योर इंटायर डेज एनर्जी इज नाउ स्टक इन दैट लूप. जैसे अगर आपको डर लगता है, तो आपको कहीं भी, दिन हो रात हो, आपको कभी भी एक अकेले कमरे में जाने में डर लगेगा, बिकॉज दैट्स एन इमोशन दैट सेट इन योर हेड. So you create scenarios. They may not necessarily be true, not necessarily be there, but still आपको डर लगेगा. Because now that is stuck. So unless you yourself work out of it, no matter how much somebody would tell you कि अरे कुछ नहीं है, switch on the light, whatever it is, और चलो I'll come with you, you'll still feel scared, right? I think it's a very common emotion that we go through. So negativity is a constant loop. बट किसी भी सिचुएशन से बाहर आने के लिए मुश्किल लगती है, और हम अक्सर ये चीज़ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. एंड इफ यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, एक्चुअली यू नो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव एनी एंड गोल दैट यू आर सीकिंग. नाउ देयर इज नो लिमिट, सो इट्स लिमिटलेस. एंड वेन यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, स्टार्ट बाय आस्किंग योर सेल्फ द राइट क्वेश्चंस. दैट इज द बेस्ट प्लेस टू एक्चुअली मेक अ स्टार्ट फॉर समथिंग. सो आस्किंग योर सेल्फ द राइट क्वेश्चंस, डूइंग द राइट काइंड ऑफ पॉजिटिव एनरिचिंग सेल्फ टॉक इज द बेस्ट स्टैंड पॉइंट, इज द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट. तो अपने आप से सही सवाल पूछिए. एंड टुडे आई हैव क्वेश्चंस विच आर इन थ्री कैटेगरीज, विच विल बी वेरी हेल्पफुल for you to implement and see in your daily life. Whenever you're faced with a situation, try doing this exercise and see how it manifests into
पॉजिटिव थिंग्स इंटू यू नो अ मोर फुलफिलिंग एक्सपीरियंस. नंबर वन, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है अवेयरनेस, रिकग्निशन. सो आस्क योर सेल्फ, यू नो वेयर वेयर आर दीज नेगेटिव थॉट्स लीडिंग मी टू? आर दे लीडिंग मी समवेयर? यू नो आर दे ट्राइंग टू टेल मी समथिंग? वेयर आर दीज थॉट्स लीडिंग मी टू? गिव योर सेल्फ अ कपल ऑफ मिनट्स टू थिंक अबाउट इट. सेट योर सेल्फ अ टाइमर दैट आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन फॉर 2 मिनट्स, एंड इफ आई डोंट हैव अ सेट आंसर आई विल मूव ऑन. And that is a sign that I need to go to step two. After awareness, the next thing is meaning. I think हम बहुत commonly ये चीज़ सुनते हैं बट समझते नहीं हैं कि everything is trying to tell us something. If it's not trying to tell us something, it's giving us and leaving us with an experience. It is only these two and nothing else. So ask yourself, is this situation trying to tell me something? Is this situation making me reflect on something? Do I need to go back and reflect on something? Maybe, you know, some situation is making me more angry or more uncomfortable than usual because kahin na kahin it's touching some insecure, some uncomfortable chord inside me. So if it is that, you'll have clarity ki aapko kaun se areas of your life address karne hai. So this practice maybe does not solve your problem, maybe does not, you know, overturn your situation, because something that has happened, but it will give you clarity, it will put you out of that confusion state and put you to the next step, which is action. Bina action liye kuch bhi nahi hoga. So the third step is action taking. And what are the questions that you need to ask yourself? How do I come out of it? Do I need help? What do I need to make a change in? Is it my attitude? Is it my lifestyle? Is it my habit? Is it my routine? Is it the friends that I'm hanging with? Is it my company? Is it my work? What is it that I can do to be more productive, to cause a productive change in this emotion that I'm going through? So these are the three very, very important steps that you really need to keep in your mind next time when you're faced with a negative emotion. So instead of either punishing yourself for feeling a certain way, recognize that you're feeling it and you're seeing that feeling, that negative energy manifest into 10,000 other negative things in your day. The first thing is to sit and recognize it. So awareness, meaning, and action. These are the three golden rules for coming out of any negative situation and at least getting a sense of purpose in dealing with it better.